नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। रघुनाथपुर रेल हादसे में मृतकों के परिजनों को बिहार सरकार देगी मुआवजा। राजस्व और भूमि विवाद सुलझाने के लिए शुरू होंगे कॉल सेंटर। बिहार के राज्यपाल के लिए अब नहीं होगा महामहिम संबोधन का इस्तेमाल। आज है विश्व गठिया दिवस, जाने इसके बचाव के उपाय। रोहित ने पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति का किया खुलासा। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रघुनाथपुर रेल हादसे में मृतकों के परिजनों को बिहार सरकार देगी मुआवजा। बीते दिन देर रात दानापुर बक्सर रेलखंड पर रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के समीप 12506 डाउन नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बेपटरी होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बता दें कि इस हादसे में ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। वहीं पूर्व मध्य रेलवे के एक अधिकारी के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस हादसे में खबर लिखे जाने तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है और 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रेलवे की ओर से मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए अनुग्रह राशि के रूप में देने का निर्णय लिया गया है, जबकि घायलों को 50,000 रुपए। वहीं इस हादसे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गहरा दुख व्यक्त किया गया है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें 4-4 लाख रुपए मुआवजे के रूप में देने की बात कही गई है। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए अस्पतालों को अलर्ट रहने को कहा है। बता दें इस घटना को लेकर पूर्वी सेंट्रल रेलवे के द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जो कि पटना 9771449971, दानापुर 8905697493, COML CNL 7759007004 और आरा 8306182542 है। राजस्व और भूमि विवाद सुलझाने के लिए शुरू होंगे कॉल सेंटर। बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि विभाग में दाखिल खारिज से संबंधित मामले का निपटारा तेजी से किया जा रहा। अब 35 दिनों में यह प्रक्रिया पूरी हो जा रही है। वहीं विवादित जमीन की दाखिल खारिज की प्रक्रिया 75 दिनों में पूरी हो रही। वहीं अब बहुत जल्द ही राजस्व और भूमि विवाद सुलझाने के लिए कॉल सेंटर की भी स्थापना की जाएगी, जिसके माध्यम से सुनवाई और कार्रवाई में और भी तेजी आएगी। यह कॉल सेंटर 2 महीने में काम करना शुरू कर देगा। वहीं विभाग के द्वारा भी कॉल सेंटर का नंबर जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा मंत्री के द्वारा यह भी जानकारी दी गई है कि जल्द ही राज्य में 10,101 विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की बहाली की जाएगी। 3 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, चतुर्थ कृषि रोड मैप के लोकार्पण और मोतिहारी व गया केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ पटना एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने 3 दिवसीय दौरे के लिए बिहार आने वाली हैं। ऐसे में उनके ठहरने की व्यवस्था राजभवन में की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कृषि रोड मैप का लोकार्पण करने वाली 3री राष्ट्रपति होंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में आला अधिकारियों की बैठक भी बुलाई गई, जिसमें मुख्य सचिव के द्वारा अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। बिहार में नियोजित शिक्षक अब कहलाएंगे विशिष्ट शिक्षक। बिहार में कार्यरत 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिल सके, इसको लेकर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली सार्वजनिक कर दी गई है, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि बीपीएससी से बहाल होने वाले शिक्षकों की तरह ही नियोजित को भी सुविधाएं और वेतनमान दिया जाएगा और अब नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार चयनित एजेंसी के माध्यम से नियोजित शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा लेगी। इस परीक्षा को नियोजित शिक्षकों को पास करने के लिए 3 मौके दिए जाएंगे। ऐसे में अगर 3रे प्रयास में भी नियोजित शिक्षक सफल रहे तो उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा। गोपाल मंडल के खिलाफ जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। नौगछिया स्थित गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल का कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें वो JLNMCH अस्पताल में रिवॉल्वर लेकर घूमते नजर आ रहे थे। ऐसे में अब इस मामले को लेकर भागलपुर DM के द्वारा विधायक के रिवॉल्वर का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है और इसकी प्रति DM के द्वारा जिला SSP को भेज दी गई है। मालूम हो कि इसको लेकर SSP के द्वारा मामले की जाँच कर DM को रिपोर्ट सौंपी गई थी, जिसके बाद DM की ओर से विधायक गोपाल मंडल के विरुद्ध पहले नोटिस जारी कर लाइसेंस के निलंबन की कार्रवाई की गई। बिहार दौरे पर आ रही निर्वाचन आयोग की टीम, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की एक टीम गतिविधियों और तैयारियों की 2 चरणों में समीक्षा करने के लिए बिहार आ रही है, जिसके तहत 16 अक्टूबर को टीम के द्वारा भागलपुर में भागलपुर प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल, कोसी प्रमंडल और पूर्णिया प्रमंडल के जिलों के साथ बैठक की जाएगी और फिर 27 अक्टूबर को बिहार की राजधानी पटना में पटना प्रमंडल, मगध प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल और सारण प्रमंडल के जिलाधिकारियों के साथ बैठक करेगी। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग की टीम में वरीय उप निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, नितेश व्यास, उप निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार साहू, सचिव सुजीत कुमार मिश्रा, अवर सचिव नरेश कुमार और देवेश कुमार शामिल होंगे। बिहार के राज्यपाल के लिए अब नहीं होगा महामहिम संबोधन का इस्तेमाल।
बिहार के राज्यपाल सचिवालय की तरफ से पत्र जारी कर यह जानकारी दी गई है कि अब राज्य के राज्यपाल के संबोधन के लिए महामहिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। बता दें कि बिहार राज्यपाल सचिवालय की तरफ से जो पत्र जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि अब तक राज्यपाल को लेकर उनके संबोधन में महामहिम शब्द का उपयोग किया जाता था, लेकिन अब महामहिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब माननीय राज्यपाल के नाम से संबोधन किया जाएगा और साथ ही राज्यपाल के नाम के आगे श्री अथवा श्रीमती का प्रयोग किया जाएगा। हालांकि विशेष परिस्थिति में केवल विदेश के राजनयिकों के साथ शिष्टाचार भेंट आदि में महामहिम शब्द का प्रयोग किया जा सकेगा। बक्सर ट्रेन हादसे को लेकर बनी हाई लेवल जांच कमेटी। बिहार के बक्सर में बुधवार की रात को हुई रेल हादसे को लेकर जांच करने के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। इस बारे में पूर्व मध्य रेलवे के जीएम तरुण प्रकाश के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि मौके पर रेल रजिस्ट्रेशन के लिए दोनों ओर से ट्रेन आ चुकी है, जल्द ही ट्रैक पर ट्रैफिक बहाल हो जाएगा। हम हादसे की जाँच के लिए हाई लेवल कमेटी गठित कर रिपोर्ट देने को कहा है। ऐसे हादसों पर रेलवे अपने तरीके से जाँच करती है, पटरी टूटी है या क्या है अभी तक कुछ नहीं कहा सकता जब तक की जाँच रिपोर्ट सामने न आ जाए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रेलवे के द्वारा अपनी तरफ से जांच करना जारी है। ट्रेन से शराब की बड़ी खेप बरामद। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की ओर से जीतोर कोशिश की जा रही, लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कोई खास कमी देखने को नहीं मिल रही। बता दें कि ताजा मामला मुजफ्फरपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 का है, जहां निरीक्षक प्रभारी मनोज कुमार यादव के नेतृत्व में रेलवे सुरक्षा बल के विशेष टीम के द्वारा ट्रेन नंबर 05272 के आगमन के उपरांत चेकिंग के दौरान जनरल कोच में बाथरूम के पास लावारिस हालत में 123 अदद कर्नाटक राज्य का निर्मित विदेशी शराब पाया गया है, जिसके खिलाफ फिलहाल कानूनी कार्रवाई की जा रही। आज है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि। आज यानी कि 12 अक्टूबर को समाजवादी नेता और स्वतंत्रता सेनानी राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि है। इनका निधन 57 वर्ष की उम्र में साल 1967 में हो गया था। वहीं आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के द्वारा उन्हें याद किया गया है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ट्वीट कर कहा गया है कि देश के महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन। इसके साथ ही उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया गया। वहीं उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा ट्वीट कर कहा गया कि जाति आधारित विषमता व उत्पीड़न समाप्त करने के लिए जाति विहीन आधुनिक वैज्ञानिक एवं न्याय संगत समाज बनाने तथा आर्थिक समानता, भूमि सुधार व संसाधनों के समान वितरण पर जोर देने वाले महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। पटना जंक्शन की खूबसूरती को 4 चांद लगाएगा मल्टी मॉडल हब। पटना स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जीपीओ गोलंबर के पास बन रहे मल्टी मॉडल हब अब 4 मंजिला होगा। मालूम हो कि पहले यह मल्टी मॉडल हब का निर्माण 2 मंजिला किया जाना था, लेकिन पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड बोर्ड के द्वारा इसमें बदलाव करने को मंजूरी दे दी गई है और साथ ही अतिरिक्त 13 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि पुरानी योजना के तहत कुल 65 करोड़ 11 लाख रुपए खर्च होने थे, ऐसे में अब 2 अतिरिक्त मंजिलों के निर्माण और अन्य सुविधाएं बढ़ने से अब इसकी लागत 78 करोड़ 11 लाख रुपए हो गई है। मालूम हो कि इस मल्टी मॉडल हब में बस पड़ाव, पार्किंग के अलावा अब बेंडिंग जोन बनाए जाएंगे। जाति गणना रिपोर्ट पर चिराग पासवान का बयान। एक बार फिर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और जमुई से सांसद चिराग पासवान के द्वारा बिहार में हुई जाति गणना पर अपना बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि मैं और मेरी पार्टी शुरू से ही जाति गणना के पक्ष में थे, लेकिन जो उम्मीद इस गणना से थी वो पूरी नहीं हुई। गलत आंकड़े सामने आए। इस पूरे काम पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जिन जातियों से चुनाव में फायदा होगा उनकी संख्या सर्वे रिपोर्ट में बढ़ा दी गई है। सर्वे में जिसकी जितनी संख्या है उसे उतनी ही भागीदारी मिलनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है। रोहित ने पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति का किया खुलासा। बीते दिन एशिया कप 2023 में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मैच में भारत ने 8 विकेट से जीत अपने नाम की। वहीं भारत अब अपना अगला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ 14 अक्टूबर को अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलने वाली है। वहीं बीते दिन हुए मैच में रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिच बल्लेबाजी के लिए आसान थी, मैं खुद को बैक कर रहा था, मुझे पता था कि यह विकेट आसान होती जाएगी। मुझे खुशी है कि मैं अपने प्लान के साथ चल पाया और शतक बना पाया। मैं किसी रिकॉर्ड के बारे में नहीं सोचना चाहता, मैं अपना फोकस नहीं खोना चाहता, अभी लंबा रास्ता तय करना है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए यह अच्छी जीत थी, हम कोशिश करेंगे कि इस लय को जारी रखा जाए। हमारी टीम में अलग अलग स्किल सेट के खिलाड़ी हैं, शायद इसी कारण से हम अच्छी टीम बन रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसे खिलाड़ी ही एक अच्छी टीम बनाते हैं। अगला मैच हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इस मैच में हमने जितना ध्यान दिया था अगले पर भी उतना ही ध्यान देंगे। आज है विश्व गठिया दिवस, जाने इसके बचाव के उपाय।
आज यानी कि 12 अक्टूबर के दिन को विश्व गठिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1996 में हुई थी। ऐसे में इस बार वर्ष 2023 का गठिया दिवस का थीम इट्स इन योर हैंड्स रखा गया है। मालूम हो कि इस दिवस को मनाने का मुख्य कारण इस बीमारी के प्रति लोगों के बीच जागरूकता फैलाना और मरीजों का हौसला बढ़ाना है। अगर आप भी इस बीमारी से खुद का बचाव करना चाहते हैं तो आपको हर रोज एक्सरसाइज करना चाहिए। ओमेगा 3 कैल्शियम और विटामिन डी से रिच फूड्स का सेवन करें। सप्ताह में 2 बार फिश खाएं। वहीं वेजिटेरियन लोग हर दिन नट्स, प्लेन पनीर और फल खाएं। इसके अलावा दर्द, सूजन जैसे समस्या के आने पर सीधे डॉक्टर से संपर्क करें। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी गुरुवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.74 रुपए और डीजल 94.51 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 108.07 रुपए और डीजल 94.79 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.98 रुपए और डीजल 95.64 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.64 रुपए और डीजल की कीमत 95.32 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही में पेट्रोल की कीमत 108.44 रुपए और डीजल की कीमत 95.61 रुपए प्रति लीटर है। बता दी कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.73 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.34 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। आज से इवनिंग न्यूज में हम अपने दर्शकों के लिए एक खास सेगमेंट ला रहे हैं, जिसमें हर न्यूज बुलेटिन के अंत में अपने दर्शकों से 5 सवाल पूछेंगे। यह सवाल इसी न्यूज से जुड़ा होगा। ऐसे में आपको इन सभी न्यूज को ध्यान से सुनना है और उसका सही सही जवाब देना है। सबसे ज्यादा सही जवाब देने वाले यूजर का नाम हम वीडियो के लास्ट में लेंगे। हमारा पहला सवाल है, चौथे कृषि रोड मैप का लोकार्पण करने के लिए कौन बिहार आ रहा है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगला सवाल, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का निधन कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 67 वर्ष, ऑप्शन सी 57 वर्ष, ऑप्शन डी 58 वर्ष। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 57 वर्ष। अगला सवाल, विश्व कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के बीच पहला मुकाबला किस स्टेडियम में खेला जाना है? ऑप्शन ए अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ऑप्शन बी एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई, ऑप्शन सी साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला सवाल, बिहार के राज्यपाल के लिए अब किस शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है? ऑप्शन ए श्री अथवा श्रीमती, ऑप्शन बी महामहिम, ऑप्शन सी माननीय, ऑप्शन डी आदरणीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महामहिम। अगला सवाल, विश्व गठिया दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई? ऑप्शन ए वर्ष 1995, ऑप्शन बी वर्ष 1994, ऑप्शन सी वर्ष 1997, ऑप्शन डी वर्ष 1996। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वर्ष 1996। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है चंद्रधन यादव, रंजीत मिश्रा, रवि कुमार राम, सन्नी सहनी, हरेंद्र यादव, भास्कर कुमार, अमित कुमार, ऋषि कुमार, नितेश कुमार, अमृत भारती, राजेश कुमार, अभिरंजन कुमार, समीमा खातून, रितेश कुमार, राकेश कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बीते दिन भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मैच में भारतीय टीम की ओर से किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।